हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चों लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या फिर आप लोग कई बच्चे मोबाइल फोन से भी YouTube का इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का पूरा डिस्कशन इस ही टॉपिक के ऊपर होने वाला है। व्हाट इज MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। जिन बच्चों को भी फ्यूचर में MBA करना है, और मैं जानता हूं आप में से 90% जो भी बच्चे हैं उनको फ्यूचर में MBA करना है, चाहे 12th के बाद करना हो, इंटीग्रेटेड MBA हो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो कि 2 साल का हमारा MBA होता है, चाहे आपको वो करना है, और जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनेशनल बिजनेस आपको ऑप्ट करनी है। आज के वीडियो में MBA इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन से जुड़ी हर वो डाउट, हर वो प्रॉब्लम, हर वो जो चीजें आपको जाननी जरूरी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब होता क्या है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस इज अ 2-year पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फोकसिंग बिजनेस मैनेजमेंट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। एक होता है, देखिए, एक जर्नल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो यहां पर ग्लोबल लेवल पे कैसे बिजनेस को करा जाता है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती है, राइट। सो MBA इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या हो गया? इफ इन केस आप इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप चाहते हैं दुनिया भर में आपका प्रोडक्ट फेमस हो, या फिर कोई ब्रांच खोलते हैं अपनी तो चाहते हैं दुनिया भर में वो ब्रांच पॉपुलर हो, तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना जरूरी है ताकि हम अपने बिजनेस को, नॉलेज को ग्लोबल लेवल पे टेस्ट कर सकें और उतने ही ज्यादा हम पॉपुलर हो सकें, राइट। चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन और देखते हैं आगे। डिग्री का नाम MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस है। पोस्ट ग्रेजुएट ये हमारा डिग्री है, दैट मीन्स 12th के बाद यूजी डिग्री होती है 3 से 4 साल की, BBA जैसे 3 साल की, बीटेक जैसे 4 साल की। उसके बाद हम ये करते हैं अपना PG प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। MBA हर एक स्ट्रीम का बच्चा, चाहे BCom करा हुआ है, BBA करा हुआ है, बीटेक करा हुआ है, BSc करा हुआ बच्चा, या फिर BA करा हुआ बच्चा भी कर सकता है। ड्यूरेशन इसकी 2 साल की इसकी ड्यूरेशन रहती है। ड्यूरेशन कितनी रहती है? 2 साल का हमारा ये पोस्ट ग्रेजुएट, यहां पर हमारा डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा नहीं, डिग्री कोर्स है। PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हमारा डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन MBA हमारा एक डिग्री कोर्स है। बच्चों देखो, यहां पर जो एडमिशन प्रोसीजर है अच्छे कॉलेजेस में, सबके सब एंट्रेंस लेते हैं। एंट्रेंस आप नेशनल लेवल के दे सकते हैं या फिर उस कॉलेज के स्पेसिफिक दे सकते हैं। उस कॉलेज का स्पेसिफिक समझ में आ रहा है ना? CAT हमारा नेशनल लेवल का एंट्रेंस है, JET हमारा कॉलेज स्पेसिफिक है, Xavier इंस्टीट्यूट का, GMAT हमारा नेशनल लेवल का है, SNAP हमारा सिम्बोसिस का स्पेसिफिक है, NMAT हमारा नरसी मोंजी का स्पेसिफिक है। तो ये हमारे कई नेशनल लेवल के होते हैं, कई कॉलेज स्पेसिफिक एंट्रेंस हमें देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करिए, कौन से कॉलेजेस हैं बताने वाला हूं, और कॉलेज में पता करिए वो किस बेसिस पर आपको सिलेक्शन प्रोवाइड कराता है, वेदर दे आर कंडक्टिंग देयर ओन एंट्रेंस या फिर वो नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़े, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ये थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा मैं, एलिजिबिलिटी अच्छे से समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। एडमिशन प्रोसीजर, एंट्रेंस लेते हैं ज्यादातर कॉलेजेस, एंट्रेंस लेंगे आपका। ग्रुप डिस्कशन यहां पर भी होता है, GDPI बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, और पर्सनल इंटरव्यू के भी अच्छे कॉलेजेस में राउंड होते हैं, तो उनकी भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी जरूरी है, राइट। फीस नियर अबाउट 10 से 15 लाख के नियर अबाउट रहती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, और डिपेंड करता है किन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं। एवरेज सैलरी समवेयर अराउंड 6 to 8 के नियर अबाउट रहती है। अच्छे कॉलेजेस से जब आप अपना MBA परस्यू करते हैं तो वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होता है, फाइनल ईयर में कंपनीज विजिट करती है और आपको बहुत ही अच्छे पैकेज में प्लेस करती है। IIMs के जो MBA प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है वो तो आपको पता ही होगा, राइट। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है मास्टर्स के लिए, और 50 कम से कम 50% आपका स्कोर करना जरूरी है किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, क्योंकि कई एंट्रेंस में स्पेसिफिक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तभी ये एंट्रेंस आप दे सकते हैं। सो मेक श्योर करिएगा मिनिमम 50 अपनी ग्रेजुएशन में तो स्कोर करें ही करें। वाई स्टडी एआर मतलब इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी क्यों करें, वाई स्टडी आईबी, आईबी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए मेजर बेनिफिट्स में आपको बताया था, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल ओवरसीज एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो ऑब्वियस सा एक हमारे पास रीजन है कि अगर हम आईबी पढ़ते हैं तो हम ओवरसीज ट्रेवल कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। डिफरेंट आस्पेक्ट पता लगते हैं दुनिया भर में बिजनेस कैसे करा जाता है, अगर हम दूसरे पार्ट में ऑफ एनी अदर कंट्री में सेटल होते हैं वहां पर बिजनेस करते हैं। एमबीए एंड आईबी अलाउज यू टू वर्क फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टीजियस कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह है। दो कैंडिडेट हैं, एक ने लोकल मार्केट से या लोकल एक नॉर्मल एमबीए करा है, एक ने एक इंटरनेशनल बिजनेस से एक एमबीए करा है। दोनों जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो एक इंटरनेशनल बिजनेस वाले एमबीए करे हुए बच्चे को ज्यादा एम्फेसिस मिलती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर वो कंपनी एमएनसीज है ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है तो ये बेनिफिट हमारा होता है, आप प्रेस्टीजियस कंपनीज के साथ एमएनसीज के साथ वर्क कर सकते हैं। द फील्ड ऑफर्स द हाइएस्ट सैलरी फॉर मैनेजरियल रोल्स। देखिए ये भी एक बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस जब आप करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफाइल में वर्क करते हैं, एमएनसीज के साथ वर्क करते हैं तो डोमेस्टिक कंपनी से काफी अच्छा जो सैलरी पैकेज है वो आपको ऑफर होता है, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है, राइट। कैंडिडेट विद अ डिग्री इन एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस कैन ऑल्सो चूज टू वर्क एब्रॉड चूज करना, वर्क कर सकता है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी बना सकता है और हैंडसम सैलरी, बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है। देखिए नॉर्मल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है, बाहर ऑपरेट करना, बाहर वर्क करना, बाहर का सैलरी पैकेज, बाहर का एनवायरमेंट, बाहर का वर्क कल्चर आप सब अवेयर हैं, जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे इंडिया में स्टडी कर कर बाहर वर्क करना पसंद करते हैं या 12th तक यहां पर स्टडी कर कर बाहर स्टडी करना या एमबीए करना पसंद करते हैं। सो मेजर फैक्टर यही है कि वहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वर्किंग एनवायरमेंट है, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल मिलता है, अच्छा बुरा नहीं, प्रोफेशनल मिलता है, राइट। चलिए सिलेबस की बात करूं, देखिए हर यूनिवर्सिटी का हो सकता है माइनर चेंजेस हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। मैनेजमेंट देखिए हर सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 to 7 सब्जेक्ट होते हैं, 4 थ्योरेटिकल नेचर के रहते हैं और 2 से 3 हमारे प्रैक्टिकल नेचर के रहते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जनरल मैनेजमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस है, लीगल मतलब बिजनेस लॉ से रिलेटेड है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ गया। सेमेस्टर 2 में मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ऑपरेशन रिसर्च फॉर बिजनेस डिसीजन है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज का भी पार्ट यहां पर आ जाता है, राइट। आगे हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन है, सर्विस मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फॉरेन लैंग्वेज भी आपका इसमें पार्ट आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रेनिंग की रिपोर्ट आ जाती है। लास्ट सेमेस्टर की बात करें जिसमें मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर इंडस्ट्रियल बायर बिहेवियर है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, फॉरेन लैंग्वेज फॉर बिजनेस है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी यहां पर हमारा पार्ट रहता है, राइट। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है हमारा। देखिए अलग अलग प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। अगर टॉप कंपनीज की बात करें तो HDFC बैंक है, सिटी बैंक है, Amazon है, ICICI बैंक है, HSBC है, Google है, Axis बैंक है, IBM है, Accenture, Cognizant, Wipro जैसी कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है और बहुत ही ज्यादा ये अच्छी कंपनीज है, पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वर्किंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेड सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए समवेयर अराउंड एवरेज सैलरी 56,000 पर मंथ फॉर अ फ्रेशर, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं समवेयर अराउंड 2 years 85,000 हो सकती है और आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के नियर अबाउट में आप अर्न कर सकते हैं, तो काफी डिसेंट सैलरी पैकेज है, क्योंकि ये हो सकता है आप फॉरेन में जाके भी वर्क करें तो ये सैलरी पैकेज आपका डबल भी हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, फाइनल सेगमेंट हमारा कॉलेजेस का है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट भी बताने वाला हूं। देखिए यूपीएस हमारा देहरादून स्कूल ऑफ बिजनेस 14.20 फीस स्ट्रक्चर सामने है, आप देख सकते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हमारी बेंगलोर में है। मैनेजमेंट हमारा डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 8.40। केजी सौम्या मुंबई 16.19, डून बिजनेस देहरादून 4.99, एसआईआईबी पुणे 15, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी हमारी कोलकाता में है, एमआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पूना में और गीतम इंस्टीट्यूट हमारा विशाखापट्टनम में है। सैलरी स्ट्रक्चर या इसको फीस स्ट्रक्चर ज्यादा सही रहेगा वो आपके सामने है, राइट। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे तो एफएमएस हमारा बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, यूपीएस चंडीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, आईएफटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना में है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पर फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। लेकिन एक और चीज मेक श्योर करिएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह आईएम्स में जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी बेटर रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये बेनिफिट मिलेगा आपको, फीस स्ट्रक्चर काफी कम मिलेगा, तो ये आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा इफ यू आर पर्सुइंग दैट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको डिटेल्ड जानकारी मिल गई होगी कि आपको एमबीए कैसे करना है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, क्या प्रोफाइल में हम वर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसका कमेंट भी आप कर सकते हैं। इनकेस मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात करनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आप अपना काउंसलिंग का कॉल बुक कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।